पूर्व नागपुर में क्रिकेट सट्टेबाजी के अंतर्राज्यीय रैकेट से जुड़े 3 सदस्य को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सिद्धार्थ सुरेंद्र जैन बापूराव गली इतवारी, सुनील सतरामदास आमसेर जीवनधारा सोसाइटी वर्धमान नगर तथा परेश सादरानी पारडी निवासी है। इस अवसर पर मार्गदर्शन करते हुए राजेंद्र जैन ने कहा कि संगठन तभी मजबूत होगा जब हम पार्टी या समान विचारधारा वाले लोगों से मतभेद भुलाकर मतभेद मिटाएंगे। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि इस चुनाव में एनसीपी पार्टी की ओर से दूरदर्शी दृष्टिकोण से विकास करने के लिए जो निर्णय लेंगे उसे क्रियान्वित करने के लिए कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आरोपी काफी समय से कुख्यात चिंटू के क्रिकेट रैकेट से जुड़े हैं। इस रैकेट की जड़ें कई राज्यों में फैली है। लोटस और लाइव बुक आईडी पर सट्टेबाजी करते हैं। रविवार को न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के बीच 2020 मुकाबला चल रहा था। सिद्धार्थ और सुनील डॉक्टर अंबेडकर चौक के पास मोबाइल पर लोटस और लाइव बुक आईडी की मदद से सट्टेबाजी कर रहे थे। यूनिट 4 को इसकी भनक लग गई। उसने दबिश देकर दोनों को दबोच लिया। उन्होंने परेश सादरानी और विशाल तन्ना की मदद से सट्टेबाजी करने का बताया। पुलिस ने परेश के घर पर दबिश दी, वह भी हाथ लग गया था। आरोपियों से 2.5 लाख रुपए कीमत के 6 मोबाइल बरामद किए गए। दिनांक 20/10/2024 रोजी रात्री 10 वाजेच्या सुमारास मिळालेल्या माहितीवरून शास्त्री नगर नंदनवन या ठिकाणी गुन्हे शाखा युनिट क्रमांक 4 च्या पथकाने रेड केली असता त्या ठिकाणी 2 आरोपी सुनील सतरामदास आमेसर वय 40 वर्ष आणि सिद्धार्थ सुरेंद्र जैन वय 35 वर्ष असे 2 इसम संशयास्पद स्थितीमध्ये मिळून आले। त्यांच्या अंगझडतीमध्ये त्यांचे वापरते मोबाईल चेक केले असता त्यांच्या मोबाईलमध्ये काल T20 वर्ल्ड कप महिलाच्या फायनल मॅचच्या अनुषंगाने ते आपल्या मोबाईलद्वारे क्रिकेट बुकी लोटस आणि लाईव्ह बुक अशा 2 वेबसाईटवरून बुकिंग करिता खायवडी करिता असताना मिळून आले। त्या अनुषंगाने सदर आरोपीकडून त्यांचे वापरते मोबाईलसह 2,50,000 मुद्देमाल जप्त केला आणि नमूद आरोपींना अटक करण्यात आली। त्यांच्या चौकशीमध्ये त्यांनी जो क्रिकेट बुकी चालवण्यासाठी जो आयडी घेतलेला आहे तो आयडी परेश नंदलाल सदरानी राहणार नेत्याजीनगर आणि विशाल तन्ना या राहणार पेट्टा कॉलनी यांच्याकडून घेतल्याचे निष्पन्न झाल्याने नमूद 4 आरोपी विरुद्ध पोलीस ठाणे नंदनवन या ठिकाणी जुगार ऍक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आजपर्यंतच्या तपासामध्ये मिळून आलेले 2 आरोपी सह परेश सदरानी यांना अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करून इतर जो फरार आरोपी आहे याच्याबाबत पुढील शोध सुरू आहे। यांच्यापैकी सुनील आमेसर आणि परेश सदरानी यांच्या विरुद्ध पूर्वीचेही क्रिकेट बुकीच्या संदर्भाने जुगार ऍक्ट अंतर्गत गुन्हे दाखल असल्याचा अभिलेख मिळालेला आहे आणि हे बऱ्याच कालावधीपासून या व्यवसायामध्ये अवैध व्यवसायामध्ये सामील होते अशी प्राथमिक माहिती मिळाली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।